मॉडिफाई में भी रह गए, पहले हम ड्रॉ करेंगे फिर मॉडिफाई करेंगे। अब इसमें देखो सबसे पहली जो कमांड आपकी आती है वो आती है एसपी लाइन। क्या आती है? एसपी लाइन। एसपी लाइन, एसपी लाइन किसे कहते हैं? एसपी लाइन आपको कहते हैं जो आपका इरेगुलर कर्व बनाने के काम आती है। क्या बनाने की? इरेगुलर कर्व। इसमें आपकी एसपी लाइन दो टाइप की होती है, एक होती है एसपी लाइन फिट और दूसरी होती है एसपी लाइन सीवी। सीवी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल वर्टिसेस। क्या होती है? कंट्रोल वर्टिसेस। अब देखो इसको कैसे क्या करना है। यहां से एसपी लाइन फिट पे आपने क्लिक किया और फर्स्ट पॉइंट दिया आपने, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप जहां दोगे ना तो आपकी लाइन वहीं से टर्न हो जाएगी। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको टर्न कर सकते हो इस तरह से। ये देखो जहां भी आप पॉइंट दे दोगे वो वहीं से आपकी कर्व में आ जाएगी। अपने हिसाब से कोई सा भी इसमें कितना भी आप कर्व दे सकते हो और एंटर कर दो, आपका बन जाएगा। बात आई समझ? मतलब पॉलीलाइन की तरह है सर? है ये पॉलीलाइन ही, ये भी पर ये उसमें कर्व की तरह काम कर रहा है। हाँ जी, ये कर्व बन के आएगा। ठीक है सर। इसका नाम क्या है? एसपी लाइन। एसपी लाइन, ठीक है। और कौन सी वाली है ये? फिट वाली। फिट वाली। इसमें फिर आपका एक और होती है सीवी। सीवी में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट आप दोगे और फिर सेकंड पॉइंट आप दोगे ना यहाँ से, तो वहां से दो लाइन आपकी बनेंगी पॉली लाइन की तरह एंगल पे जी। तो दोनों के टेंजेंशियली वो आपका कर्व बनाएगा। दोनों से टेंजेंशियली बन रहा है आपका कर्व। तो देखो इस तरह से ये आपका बन सकता है। जितना भी आप दोगे तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? फिट में और सीवी में, कि फिट में क्या होता है? हाँ, इसमें तो टेंजेंट कर्व आता है और फिट में आप जहां से क्लिक करते हो वहीं से लाइन आपकी टर्न होती है, ठीक है। और सीवी, आपने सीवी को मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था आपको? सीवी का कंट्रोल वर्टिसेस। कंट्रोल वर्टिसेस, कंट्रोल वर्टिसेस बताया था। और इस एसपी लाइन पे क्लिक करो तो आपको वो डॉट दिख रहे हैं जो हमने दिए थे? यस सर। अब इन डॉट पॉइंट को आप रीअरेंज कर सकते हो किसी भी पोजीशन पे, किसी भी शेप में। ये देखिए इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल वर्टिसेस। क्या कहते हैं इनको? कंट्रोल वर्टिसेस। क्यों? क्योंकि हम इनको क्या कर पा रहे हैं? कंट्रोल कर पा रहे हैं। कंट्रोल। तो कैसी शेप थी देखो और हमने उसको किस तरह की बना दी? यस सर। आया बात समझ में कि नहीं? आ गई सर। तो ये हमारा क्या होता है? कंट्रोल वर्टिसेस का यूज। इसमें भी देखो पॉइंट आते हैं लेकिन वो पॉइंट आपके कहां पे होते हैं? आपके लाइन पे ही होते हैं। ओके। और इनको भी आप रीअरेंज कर सकते हो करने को तो, लेकिन इसमें वो वर्टिसेस पॉइंट आपको नहीं मिलते हैं बस, ठीक है। इसमें आपके वो टेंजेंशियली मूव करते हैं पॉइंट और इसमें आपके उसी पॉइंट से टर्न करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी एसपीएल। क्या होती है? एसपीएल, एसपी लाइन, ठीक है। और एंटर कर दो तो देखो आपका फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है आपसे, लेकिन ये आपका कौन सी
एसपी लाइन बनेगी, क्योंकि इसमें तो आपके दोनों ही दोनों की कमांड एसपी लाइन है, फिट की भी और सीवी की। तो देखो मेथड में आपको क्या लिखा है, सीवी दिखा रहा है यहाँ पे। तो अभी अगर आप एसपी लाइन बनाते हो तो कौन सी बनेगी, सीवी। अगर आपको फिट बनानी है तो इसमें आप एम एंटर करो मेथड में, देखो आपको पूछ रहा है ना फिट और सीवी। तो अगर यहाँ पे फिट चाहिए तो आप एफ एंटर करके फिट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपका फिट बन जाएगा। कोई डाउट नहीं सर। तो आपको एसपी लाइन क्लियर है? क्लियर है सर। वर्षा, अमर सिंह, राहुल, अमन, अनिल, सबको क्लियर है? सर यूज़ यस सर। क्या होता है सर? क्या होता है सर? यूज़ इसका यूज़ देखो आपका इररेगुलर शेप में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी डायमेंशंस आपने नहीं स्पेसिफाई किए हैं, ठीक है? अमन, फिट एग्जैक्टली ये होता है कि जब आप इसमें फिट एसपी लाइन लेते हो तो जहां से भी आप लाइन को स्टार्ट करते हो और सेकंड पॉइंट जहां देते हो, आपकी लाइन वही उसी पॉइंट से एग्जैक्ट कर्व करेगा, ये होता है आपका फिट में, ठीक है अमन? ओके। अब इसमें आपका नेक्स्ट जो लाइन आती है वो होती है कौन सी, कंस्ट्रक्शन लाइन। क्या होती है कंस्ट्रक्शन लाइन? आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट है वो उससे सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेंटर लाइन। सेंटर लाइन वो ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं अपने फिगर में, बनाते हैं। और जो सिविल वाले होते हैं वो अपना देखो इसमें रेड कलर से जो लाइनें बनी हुई हैं, ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन है। जैसे कि जो आपके ग्रिड लाइंस होती हैं, समझ गए सर, तो उसका यूज करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर सकते हो फॉर ग्रिड पर्पस। और ये जो लाइन होती है आपकी इनफाइनाइट लेंथ की होती है, ठीक है सर? कितने लेंथ की होती है? इनफाइनाइट लेंथ की होती है आपकी। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी XL। क्या होगी? XL। तो आप यहां से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हो और आप टाइप कर सकते हो क्या, XL और एंटर कर दो। तो देखो आपसे पूछा है आपको हॉरिजॉन्टल बनानी है या वर्टिकल बनानी है, किसी एंगल पे बनाना है, ठीक है? तो यहां से आप क्या करो, क्लिक करो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जिस पॉइंट से आपको लेके जाना है वहां पे क्लिक कर दो। तो ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन गई। ये देखो ये इनफाइनाइट लेंथ की है। आप कितना सर, इसका कलर दिखने में वाइट ही है सर, उसमें रेड दिखा रहा था। हाँ तो रेड तो आप कर सकते हो ना, क्योंकि देखो आपका यहाँ पे कौन सा कलर एक्टिवेट है अभी, व्हाइट है ना, तो इसीलिए ये व्हाइट आ रहा है। अगर आपको इसका रेड करना है तो यहाँ से इसका डायरेक्टली सिलेक्ट करके रेड करना चाहो तो रेड कर लो, डिफरेंशिएट करने के लिए प्रॉपर्टीज वाले टैब में। हाँ जी, प्रॉपर्टीज वाले टैब से। लेकिन बाय डिफॉल्ट में तो वही आएगा जो आपका यहाँ पे गिवन है, ठीक है? क्योंकि आपका आपको जैसे कि कोई किताब देख रहे हो जिसमें रेड कलर से कोई भी वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन आपकी कॉपी में तो वही नोट होगा ना जो आपका पेन का कलर होगा, ब्लू या ब्लैक जो भी आपने पकड़ रखा होगा। जी सर। तो वैसे ही हमारे पास जो यहाँ पे अवेलेबल है वो अभी व्हाइट कलर वाला पेन अवेलेबल है, ये समझ लो अभी, ठीक है सर? अब सर प्लान में मेजरमेंट चेक करने के लिए कहाँ से देख सकते हैं? मेजरमेंट चेक करने के लिए डियर देखो आपके पास में ये नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे वो एनोटेशन में आएंगे, मैं वहां पे यूज करना आपको बताऊंगा, ठीक है अमन? क्योंकि अभी देखो जो मेरा टॉपिक चल रहा है उसको मैं बीच में नहीं छोड़ सकता। अगर आपने पहले बताया होता तो वो टॉपिक स्टार्ट नहीं करता, पहले आपको यही बता देता, ठीक है? ओके।
अब आपका नेक्स्ट टॉपिक था इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना आ गया आपको? आ गया सर। और इस कंस्ट्रक्शन लाइन से बड़े इजी तरीके से आप कोई भी प्लांट बना सकते हो, कोई सा भी, क्योंकि मोस्टली देखो इसका एग्जांपल आपका प्लांट बनाने में ही होता है। मैं आपको एक बना के भी दिखाता हूँ अभी बड़े इजी तरीके से, ठीक है? दो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट लगेंगे एक प्लांट बनाने में आपको। मैं आपको जो पहले दे रखा है सर उसमें भी 3 से 4 लगेंगे? हाँ बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लग जाएंगे उसमें, सिर्फ वॉल्स ग्रो करने में। आउटर बाउंड्रीज में तो लग जाएंगे। हाँ जी, आउटर बाउंड्रीज की ही बात कर रहा हूँ। चलो आपका कौन सा बनाए, वही वाला बनाए या दूसरा? नहीं सर वो तो खुद ही बना लेंगे, उसमें तो रहने दो सर। ठीक है भाई, नहीं तो फिर सारा काम इजी हो जाता है। हाँ जी ठीक है, तो मैं एक दूसरा बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ से लेते हैं आपका ये 2 BHK। विजिबल है सबको? विजिबल है सर। अच्छा, अब इसमें आप देखो कि हमने एक लाइन बना ली ये वर्टिकल और एक ये बना ली आपकी हॉरिजॉन्टल, दो लाइनें बनी हुई है वहां पे। अब इसमें इसकी वॉल की थिकनेस है आपकी 9 इंच। क्या है? 9 इंच ये वाली वॉल की, और ये वाली वॉल की भी आपकी 9 इंच है, ये आपकी 4 इंच की वॉल है। सबको दिख रही है? दिख रही है सर। अब इस रूम की जो आपकी डायमेंशंस है वो है आपकी 13 फिट इसकी लेंथ है और 10 फिट 7 इंच इसकी क्या है चौड़ाई है। सिमिलरली इसकी ये विड्थ आपकी है, लेंथ है आपकी 13 फिट और 11 फिट 6 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है सर। ठीक है, अब ये टॉयलेट यहाँ पे लगा हुआ है, टॉयलेट की आपकी 4.5 फिट है और इसकी लेंथ आपकी 6 फिट है। फिर 9 इंच की वॉल आ रही है साइड में, फिर यहां से यहां तक आपका 13 फिट 5 इंच और आपका ऐसे डिस्टेंस है आपका 10 फिट 7 इंच। ठीक है, और नीचे आपका देखो यहाँ पे किचन दे रखा है आपको, किचन की डायमेंशन है। फिर आपका एक और टॉयलेट है जो कि अटैच है और ये आपका स्टोर रूम है, राइट? अब देखो, अब इसको डायमेंशंस आपको याद होंगी, याद कर लेना थोड़ा सा, मैं बीच बीच में आपको दिखाता भी रहूंगा इनकी डायमेंशंस। तो ये आपके बीच में बोलते हैं क्या हो गया? नहीं सर। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक्सएल दो लाइनें बनाओ, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई और ये आपकी वर्टिकल बन गई है। ठीक है, अब इसको नीचे की तरफ हमें ऑफसेट कितना करना है, 9 इंची का। जी सर। पहले हम देखते हैं यूनिट हमारी किस में है, यू वेन एंटर करती है हमने, हमारी यूनिट एमएम में है। इसको इंच में चेंज कर लेते हैं, यहाँ से आर्किटेक्चर में गए और यहां से हमने इंच डायमेंशन ले ली, ठीक है, और ओके कर दिया। अब मुझे नीचे की तरफ आना है तो मैं यहां से ऑफसेट कमांड लूंगा, ऑफसेट मैंने बताया हुआ सबको सर। हाँ जी, आपने यूनिट चेंज किया जैसे सर मैंने कल की क्लास मिस कर दी थी तो फ्लोर प्लान देख के जब मैं चेक कर रहा था सर वैसे ही नेट पे, तो उधर आपने इधर आर्किटेक्चरल चेक करके फिर इंचेस किया है ना, तो इंजीनियरिंग करके उन्होंने कुछ नहीं किया, इंजीनियरिंग कर दिया इंचेस में सेट हो गई। तो जैसे कि आप यूएन करोगे तो इंजीनियरिंग में भी आपका इंचेस में ही आता है, डियर कोई फर्क नहीं है सर, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इंजीनियरिंग में रख लेते हैं आप, कोई बात नहीं, ओके कर दो। अब देखो आपको यहाँ से 9 इंची की तरफ नीचे की तरफ जाना है, ठीक है? अब इसमें ऑफसेट कमांड लो, ऑफसेट मैंने आपको बताया है हुआ है और कितने का लेना है 9 इंच का, तो आप यहाँ पे 9 डिस्टेंस दे दो और इस लाइन को नीचे की तरफ ऑफसेट कर दो और इसको, तो देखिए आपकी ये 9 इंची पे आ गया। आ गया सर। अब वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे की तरफ कितने डिस्टेंस पे आपको ऑफसेट करना है आपका, देखो प्लान कितने का है, 10 फिट 7 इंच पे करना है ना आपको नीचे की तरफ, तो जी सर 10 फिट 7 इंच पे, और ऐसे करके आपको 13 फिट पे करना है सर, इस वाली को 13 फिट। हाँ, तो ऑफसेट लो और डिस्टेंस कितना दे दो, 10 फिट 7 इंच, एंटर। अब नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करके और नीचे की तरफ क्लिक कर दो, आ गया देखो 10 फिट 7 इंच पे।
अब वो ये वाली वॉल कितने की थी आपकी यहाँ पे, 4 इंची की? 4 इंच की। तो फिर से ऑफसेट लो इसको, 4 पे कर दो इसको ऑफसेट। ये देखो हो गया। अब उसके नीचे कितने पे है? 11 फीट 7 इंच पे है। 11 फीट 6 इंच। फिर आप ऑफसेट लो और 11 फीट 6 इंच डिस्टेंस दे दो और नीचे वाली लाइन को सेट करके नीचे की तरफ कर दो। आगे फिर ये भी लाइन आपकी 9 की है नीचे की, तो ये नीचे की लाइन आपकी 9 की हो गई। अच्छा अब ये आउटर लाइन हमारी किसी काम की नहीं है, उसको कर दो क्या आप ट्रिम? यहां से ऐसे कर दो और यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, हो गई। अब वो इनको भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी एक्स्ट्रा लाइंस है यहाँ पे। अच्छा अब आपको ये वर्टिकल लाइन कितने पे ऑफसेट करनी है? 13 फिट पे। 13 फिट पे सर सिलेक्ट कर लो और 13 फिट पे ले आओ। इस तरह से आ गई। आ गई सर। अब ये वॉल यहाँ पे कितने की है? 4 की सर। 4 की, तो 4 पे कर दो। ये हो गई ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉयलेट है आपका 4.5 फीट का सर। 4.5 फीट का, तो फिर से ऑफसेट करो, 4 फीट 6 इंच डिस्टेंस दे दो और इसको यहाँ से यहाँ पे कर दो। हो गया सर। जो हम सर ये ऑफसेट लगा रहे हैं तो ये जो ऑफसेट लगाने के बाद लाइन आई थी उस पे ऑफसेट लगाए या फिर पहले वाली पे? किसी नहीं भैया, तो आपका इंटीरियर लाइन किसी पे कैसे कर लोगे? आपका जो 4 फीट 6 इंच है वो आपका इंटीरियर टू इंटीरियर है ना डिस्टेंस, तो आपका इस वाली वॉल से तो 4 फीट 6 इंच है अंदर तक। मतलब बाहर वाली साइड से मेजर करेंगे इस बार। बिल्कुल, हर डिस्टेंस आपको वहीं से ले रखा है ना। अब ये वाली वॉल आपकी 9 इंची की है, याद है ना आपको? वो एंटर करो, 9 इंची का डिस्टेंस दे दो। ये आ गया। अब यहाँ से आपको ये ट्रिम कर दो, नहीं तो ऑफसेट करोगे तो ये पूरी लाइन आपकी ऑफसेट हो जाएगी नीचे की तरफ ना, इसको जिससे कि आपकी ये ब्रेक हो जाएगी यहाँ से। अब ये वाली नीचे की तरफ कितने पे आएगी? 6 फीट। कितने? 6 फीट पे सर। 6 फीट पे ये आपकी नीचे की तरफ 6 फीट पे आ गया। और इसकी वॉल की थिकनेस कितनी है आपकी? 4 इंच। 4 इंच ये आपकी हो गई। अब इसको इस लाइन से यहाँ तक खींचना है, यहाँ पे ज्वाइन कर दो, कर सकते हैं। और बाकी लाइन को यहाँ से ट्रिम कर दो इस तरह से। साथ के साथ करते चलोगे तो आपको सही रहेगा। अब आ गया। आ गया। अब यहां से ये टोटल डिस्टेंस कितना था यहां तक का? ये देखो, यहां से ये डिस्टेंस कितना है यहां तक? 13 फीट 5 इंच। यस और नो? यस सर। 13 फीट 5 इंच है। और ये ऊपर से नीचे की तरफ तो हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 फीट 7 इंच पे तो हमने ऑलरेडी कर रखी है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक कैसे आ रही है? तो ये 13 फीट 5 इंच कर लेते हैं इसको। वो एंटर करो और 13 फीट कितना था? 5 इंच। 5 इंच और इसको सिलेक्ट कर दो यहाँ से ठीक है। अब इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड करा दो, यहाँ तक एक्सटेंड करा सकते हो, ये तो आपको आता ही है। अब फिर से ऑफसेट ले लो इसको 9। ये लाइन आपकी बाहर की तरफ ऑफसेट होगी 9 पे इस तरह से। ये जरूर याद रखना कि आपको जो वॉल की थिकनेस ले लो वो किस तरफ ले रहे हो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब ये आपका आ गया। अब देखो इस साइड का तो आपका बन गया, अब नीचे की साइड से आ जाए यहाँ से। अब यहाँ से आपका जो ये वाला बाथरूम था 8 फिट, वो एंटर करो और 8 फिट का डिस्टेंस दे दो।
यहाँ से ये आपका 8 फीट का हो गया, और ये वॉल भी आपकी 9 इंच की है, ओ एंटर 9 का डिस्टेंस दो और ये 9 इंच की वॉल हो गई। अब ये ट्रिम कर दो फालतू वाला यहाँ से, ये भी बाहर की साइड देनी है ना सर वॉल्स। हाँ जी इसकी 4 इंची वॉल है, इसको फिर से ऑफसेट कर दो 4 पे बाहर की तरफ। अब ट्रिम कर दो इसको, सबसे पहले इसको ज्वाइन करा दो यहाँ से इस वॉल पे, और TR ये लाइन आपकी हट गई और ये भी हट गई। अब इस लाइन को कितने पे कराना है ऑफसेट आपको, कितने का है देखो, 3 फीट 7 इंच का, 3 फीट 7 इंच का सर, करा दो इसको 3 फीट 7 इंच पे, ओ एंटर 3 फीट 7 इंच आ गया ये। अब इस लाइन को यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा दो, ये हो गया, और इसको भी यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा दो, फिर इसको 4 इंच पे फिर से ऑफसेट करना पड़ेगा आपको, ये ज्वाइन हो गया। अब फालतू जो इसमें है उसको क्या कर दो ट्रिम, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब ये लाइन भी आपकी फालतू है, इनको भी ट्रिम कर दें इस तरह से, अब देखो यहां से इस लाइन को ऑफसेट करना है इस तरफ, कितने पे है, 8 फीट 3 इंच पे, 8 फीट 3 इंच पे, पे ना देखो आ रहा है, बोलो अभी ना आ गया सर, 8 फीट 3 इंच इधर से ऑफसेट आपका, 8 फीट 3 इंच पे आपको ऑफसेट कर दो, 8 फीट 3, ये लेंथ का ऑफसेट है ना सर नीचे से, हाँ इस वर्टिकल लेंथ के इधर से, और फिर से आपका कितने का है, 9 इंच का आपको देना उसमें, वो एंटर कर दो और 4 इंच का डिस्टेंस दे दो इसका साइड से, ये अब जो एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम कर दो, ये आपका ट्रिम हो जाएगा, ये भी आपका ट्रिम हो जाएगा, ये भी आपका ट्रिम यहाँ से, और यहाँ से भी आपका ये ट्रिम, आउटर लाइंस बन गई इसकी सारी वॉल्स की कि नहीं बनी? बन गई सर। कितना टाइम लगा होगा लगभग हमें? 5 ही लगी होंगी सर। राइट? तो इस तरह से आप इसमें इसका यूज करके ड्रॉ कर सकते हो। है ना कंस्ट्रक्शन लाइन यूज की? जी सर। ऐसे ही इसमें सारा यूज इसी का था सर। इसी लाइन से आपका बन गया। इसी में आपकी एक लाइन और होती है जिसको कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। रे में क्या होता है आपका, एक साइड इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? एक साइड इनफाइनाइट होती है, और इसको भी आप इस तरीके से ही यूज में ला सकते हो रे कमांड। और रे की शॉर्टकट की होती है आपकी RAY, ठीक है? क्या होती है? RAY, रे कमांड को कर लोगे आप? रे कमांड को भी यूज कर लेंगे सर। अब वो नेक्स्ट कमांड आपकी आती है मल्टीपल पॉइंट। क्या आती है? मल्टीपल पॉइंट।
पॉइंट का क्या मतलब होता है? कोई भी पॉइंट पर्टिकुलर, क्या कोई किसी भी पॉइंट की कोई लेंथ या विड्थ होती है क्या? पॉइंट की तो कुछ नहीं होती सर। पॉइंट की तो कुछ नहीं होती ना, क्यों वर्षा? नहीं होती है। तो आप यहाँ से मल्टीपल पॉइंट क्रिएट करने के लिए क्लिक करो और क्लिक कर दो, तो देखो आपका एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया कि नहीं हुआ। और यहाँ पे इस लाइन पे भी क्लिक कर सकते हो, तो कहीं पे भी आप क्लिक कर दो वहीं पे आपका क्या होगा, एक पॉइंट क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो आपको स्पेसिफिक पॉइंट से इनकी डायमेंशंस देके क्लिक कर सकते हैं सर, या फिर रैंडमली करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल कोऑर्डिनेट पॉइंट दे सकते हो आप। बिना कोऑर्डिनेट के नहीं होगा सर, कि इस कॉर्नर से उधर 10 इंच पे ऐसे। तो आप वो एट द रेट लगा करके उस डायरेक्शन में वो पॉइंट दे दो, जितने पे जाना है तो उसी पॉइंट से जाएगा उतना। अब इसका पॉइंट स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो यूटिलिटीज में आपका पॉइंट स्टाइल का ऑप्शन होता है। ये देखो अभी आपका वो डॉट है इस तरह से शो कर रहा है ना। अब यहां से कोई सा भी पॉइंट का स्टाइल ले लो, ये ले ले क्रॉस वाला और ओके कर दो, तो जहां जहां आपने वो पॉइंट लगाया है वो आपको विजिबल हो जाएगा क्रॉस से। आई बात समझ? कोई डाउट किसी को? पॉइंट के लिए शॉर्टकट की होती है PO, पॉइंट की। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट कमांड आता है इसमें डिवाइड। क्या काम आता है डिवाइड? डिवाइड क्या होता है बताओ? आप कह रहे थे कि किसी लैंड पे हमें क्या करना है, पॉइंट देना है 10 फुट पे, राइट? 10 इंची पे या जितने पर्टिकुलर लाइन पे, यही कह रहे थे ना? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, अब डिवाइड का क्या मतलब होता है बताओ? शायद आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाए। हाँ, बांटना। अगर जैसे कि आपके पास कोई एक लाइन है, क्या है लाइन, जिसका डिस्टेंस है आपका 30 फिट। कितनी है? 30 फिट की आपकी एक लाइन है ये। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, ये कितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करनी है, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में? सॉरी क्या कह रही हो वर्षा? 30 फिट में है तो 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 6 में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या शॉर्टकट की लोगे डिवाइड की? DIB। क्या ली? DIV और एंटर कर लो, या वहां से भी ले सकते हो और यहां से भी ले सकते हो। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, अभी सिलेक्ट कर लो। और नंबर ऑफ सेगमेंट मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। आपको 6 चाहिए थे ना, 6 दे दो। तो देखो 6 पार्ट में डिवाइड हो गई, इक्वल नंबर ऑफ 6 पार्ट में हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सभी के सभी क्या होंगे आपके? इक्वल नंबर पार्ट के होंगे। कोई डाउट? नहीं सर। डिवाइड समझ में आ गया सर? अब ये मतलब लाइन ब्रेक हो चुकी है ना सर 6 पार्ट्स? नहीं, लाइन आपकी ब्रेक नहीं हुई है, सिर्फ वहां पे पॉइंट आ गए। आप चाहो तो लाइन को यहाँ से डिलीट कर दो तो पॉइंट वहीं के वहीं रह जाएंगे आपके। लाइन सिंगल ही है, लाइन को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है डियर, देखो लाइन को ब्रेक करते तो वो अलग अलग पार्ट में ब्रेक होता है कि नहीं? सिलेक्ट करो तो पूरी लाइन एक साथ सिलेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ब्रेक नहीं हुई है आपकी लाइन। इसमें एक और कमांड होती है आपकी मेजर। क्या होती है ये? देखो ये आपकी मेजर कमांड होती है, इसमें मेजर, MEASURE, मेजर।
ठीक है, इसमें भी मैंने एक लाइन बनाई 30 फिट की। अब इसमें मुझे क्या देना होगा पता है आपको, कि एक एक सेगमेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है सर। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने नंबर ऑफ सेगमेंट दिए थे, है ना, कि हमें लेंथ ऑफ सेगमेंट देंगे, लेंथ ऑफ सेगमेंट देंगे। नंबर ऑफ सेगमेंट कितने क्रिएट होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी लेंथ पे। ठीक है, अब इसमें इसकी शॉर्टकट की होती है एम ई, क्या होती है एम ई, एम ई और एंटर कर। सॉरी क्या कह रहे हो व्हाट्सएप, मेजर कमांड करते क्या, आपकी आवाज कट रही है। तो कमांड क्या करते हैं, मेजर कमांड से क्या कर सकते हैं, अभिनव आपको सुनाई दिया क्या बोला मैडम ने? नहीं सर। मैडम आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा से बोलो यार एक बार। वर्षा दोबारा बोलो बेटा, समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा। मेजर कमांड क्या करता है, अच्छा मेजर कमांड मैडम ये करता है, जैसे कि अभी आपने डिवाइड किया था इसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में किया था आपने, अब यहाँ पे हमें एक पार्ट की लेंथ देनी पड़ेगी कि उतने ही लेंथ के आपके पार्ट क्रिएट होंगे इसमें। इसमें आपको नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है एक पार्ट की, लेकिन इसमें आप लेंथ वाइज जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप एम ई एंटर करो। अब उस एक सेगमेंट की लेंथ कितनी चाहिए बताओ, सपोज आपने दे दिया 10 इंच, कितना दे दिया 10 इंच दे दिया। एक मिनट, एम ई टैप किया, एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो। अब इसमें आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ सेगमेंट, क्या दे दो 10 इंच। तो देखो 10 इंच के हिसाब से उसका कितना डिवाइड हो गया आपका, हर एक सेगमेंट आपका 10 इंच का होगा इसमें। अब देखो दोबारा से करके देखते हैं, एम ई टैप किया और इसमें 10 फिट दे दो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो इस लाइन को और 10 फिट दे दो। तो कितने पार्ट में डिवाइड होना चाहिए ये, तीन में, तीन। तो देखो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें आपको पता है कि एक लेंथ की वैल्यू कितनी है 10 फिट। ठीक है, किसी को कोई डाउट डिवाइड और मेजर में, बोलो भाई। नहीं सर। कर लोगे आप? चलो ये आज की कमांड थी आपकी, इसके आगे की कमांड फिर हम कल पढ़ेंगे जो रह गई हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना।